गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको हमने निविड संकुलित संरचनाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, जिसमें आपको एक बीमा में निविड संकुलन, उसके बाद जो है द्वि बीमा में निविड संकुलन के बारे में एक्सप्लेन किए थे। द्वि बीमा में निविड संकुलन आपने देखा था कि दो प्रकार से था, एक था आपका वर्ग निविड संकुलन और दूसरा था आपका गोलों का खटकोणीय निविड संकुलन। ठीक है, तो द्वि बीमा में निविड संकुलन में आप यह फिगर आपको हमने एक्सप्लेन किया था, जिसमें यह जो है यह आप बाल देख रहे हैं, इसको हमने अवयवी कण माना है, एटम्स आयन, ठीक है, इसको माना गया है। तो अगर जो है क्लोज पैकिंग, ठीक है, जो क्लोज पैकिंग हो रहा है सॉलिड्स का, उसमें जो अवयवी कण हैं, ठीक है, जो अणु आयन हो सकते हैं, वे जो हैं अगर इस तरह से उनका क्लोज पैकिंग हो, एक हेड के ऊपर दूसरे का हेड हो, ठीक है, इस तरह से आपस में वह द्विबीमा में अगर क्लोज पैकिंग होंगे तो इसको आपस में जो है इनके सेंटर्स को जोड़ा जाए तो यह एक वर्ग का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसे आप कहेंगे वर्ग निविड संकुलन। इसी तरह से अगर जो है गोले को जो है हेड पे न रख के, ठीक है, दूसरे लेयर को गड्ढों में रख के तैयार किया जाए तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसे एवी टाइप कहेंगे, और उसमें एक गोले को सेंटर लेके बाकी गोलों के सेंटर से एक आपस में लाइन खींचेंगे तो यह आपका एक खटकोण बनाएगा, ठीक है, इस तरह से एक खटकोण बनेगा तो इसको कहेंगे खटकोणीय निविड संकुलन। तो इसमें आपने देखा कि यह आपका वर्ग निविड संकुलन है जो दो बीमा में है, और ऐसे संकुलन को AA टाइप कहते हैं, और दूसरा आपका है खटकोणीय निविड संकुलन और इसे आप AB टाइप कहते हैं। दिया दोनों किसमें थे, केवल दो बीमा में थे। अब आपको बताएंगे तीन बीमा में निविड संकुलन के बारे में, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। त्रिबीमा में निविड संकुलन, सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविमीय संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी वास्तविक संरचनाएं होती हैं वे सब कैसी होती हैं, थ्री डायमेंशनल होती हैं, त्रिविमीय होती हैं। यह द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है, तो जो आप द्विविमीय वर्ग संकुलन पढ़े हैं उन्हीं परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तैयार हो जाएगा। यह द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। पिछले खंड में हमने द्विविमीय में निविड संकुलन की विवेचना की जो दो प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया वर्ग निविड संकुलित और खटकोणीय निविड संकुलित, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि इनसे कितने प्रकार के त्रिविमीय निविड संकुलन प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग निविड संकुलन और खटकोणीय निविड संकुलन से आप जो है त्रिविमीय स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन, ठीक है, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन से आपको तैयार करना है त्रिविमीय निविड संकुलन। तो द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन में आपने देखा था कि जो आप एटम्स माने थे वाल के रूप में, उसमें फर्स्ट जो लाइन था आप एटम्स में, ठीक उसके ऊपर जो है दूसरी लाइन जो है उसके हेड पे रख के आप तैयार किए थे, ठीक है, इस तरह से आपने तैयार किया था। तो इसमें भी आपको दो तरीके से इसको आप रख सकते हो 3D स्ट्रक्चर में, एक तो आप जो है इस बाल के सीधे हेड पे रख सकते हो और एक स्ट्रक्चर है उसके गड्ढों में रख सकते हो। तो उन्हीं दो भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला भाग, ध्यान से समझिए। जब द्वितीय वर्ग के निविड संकुलित परत को, ठीक है, द्वितीय वर्ग के निविड संकुलित परत को प्रथम के ऊपर रखा जाता है, तब हम उसी नियम का अनुपालन करते हैं जिसका अनुपालन हमने एक पंक्ति को दूसरे की निकट रखने में किया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें द्वितीय वर्ग के निविड संकुलित परत को कहाँ रखेंगे, ठीक प्रथम परत के, जैसे यह नीचे वाले लेयर्स तैयार हुए थे आपके, ठीक है, इसको एक परत कहते हैं, तो ठीक जो दूसरी परत होगी ठीक उसके हेड पर रख के तैयार किया जाएगा, तीसरी परत भी उसके हेड पर रख के तैयार किया जाएगा,
चौथी परत भी उसके हेड पे रख के तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से जो परत तैयार होगी वह A8 प्रकार की तैयार होगी। जब द्वितीय वर्ग निविड़ संकुलित परत को प्रथम के ऊपर रखा जाता है तब हम उसी नियम का अनुपालन करते हैं जिसका पालन हमने एक पंक्ति को दूसरे के निकट रखने में किया गया था। द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के गोले प्रथम परत के गोले के ठीक ऊपर रहें। तो इसको इस तरह से रखेंगे कि जो दूसरी परत के गोले हों वो ठीक प्रथम परत के गोले के ठीक ऊपर हों, तीसरी परत के गोले जो हों वो भी ठीक प्रथम और द्वितीय परत के ठीक ऊपर हों। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोले के ठीक ऊपर रहे। इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले पूर्णतया क्षैतिज तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप से सीधे में होते हैं। तो इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि संपूर्ण गोले जो है क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में एक सीध में है। क्षैतिज रूप में और ऊर्ध्वाधर रूप में क्या है, एक सीध में होते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम और परतों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, यदि प्रथम परत के गोले की व्यवस्था को ए प्रकार कहा जाए तो सभी परतों में समान व्यवस्था होती है। ठीक है, अतः इस प्रकार इस जालक को ए प्रकार का पैटर्न है। इस जालक में कौन सा पैटर्न मिल रहा है, ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार जनित होने वाला जालक सामान्य घनी जालक और उसकी एकक कोष्ठिका आद्य घनी एकक कोष्ठिका है। यह जो जालक आपका तैयार हुआ है इसको क्या कहते हैं, सामान्य घनी जालक कहते हैं। ठीक है, यह एक सामान्य घनिक जालक है और इसकी कोष्ठिका क्या है, आद्य घनी एकक कोष्ठिका है। इसकी कोष्ठिका जो है वह है आद्य घनी एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब जो है हम दूसरे परत को पहले परत के गड्ढों में रख के स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, तो पहला आपने तैयार किया था द्विविमी वर्ण निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन, इसमें आपने वर्ग निविड संकुलन को लिया था दूसरा परत तीसरा परत रखने के लिए। अब आप दूसरा हिस्सा जो है खटकोणीय निविड संकुलन है उसके परत को लेंगे। द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन। ठीक है, इसमें परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर त्रिविमीय निविड संकुलन संरचना निम्न प्रकार से जनित की जा सकती है। ठीक है, तो जो आपका खटकोणीय निविड संकुलन है उसके ऊपर परतों को रख के आप जो है दो प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। पहला, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। ठीक है, जो द्वितीय परत होगी वह प्रथम परत के ठीक ऊपर रखना। जैसे यह आपका खटकोणीय निविड संकुलन है, यह पहला परत है, ये भी यही टाइप है। इसमें जो दूसरा परत आप बनाएंगे तो वह परत जो है ठीक प्रथम परत के ऊपर रखना, इसके ऊपर रखा जाए। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है द्वितीय परत को प्रथम परत के इन गड्ढों में रखना, ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं त्रिभुज के आकार के उनमें रखना। ये दो तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। आइए हम एक द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलित परत ए लेते हैं। ठीक है, द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलित परत ए लेते हैं और एक वैसी ही परत उसके ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप जो है द्वितीय परत के जो गोले हैं उसको आप इस प्रकार रख रहे हैं कि जो प्रथम परत के अवनमन थे, जो प्रथम परत के गड्ढे थे उसमें गोले आ जा रहे हैं। ठीक है, एक द्विविमीय खटकोणीय निविड संकुलित परत ए लेते हैं और एक वैसी ही परत उसके ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में आ जाएं, प्रथम परत के गड्ढों में आ जाएं, आ जाते हैं। चूंकि दो परतों के गोले भिन्न प्रकार से संरक्षित हैं। ठीक है, जो दोनों परत के गोले जो हैं वह एक तरह से नहीं है, ए भी टाइप हैं, भिन्न प्रकार से संरक्षित हैं। अतः द्वितीय परत को हम बी परत कहते हैं।
ठीक है, जो जो द्वितीय लेयर तैयार हुआ है उसको क्या कहते हैं, बी परत कहते हैं। ठीक है, चित्र में देखा जा सकता है कि प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियां द्वितीय परत के गोलों से आवृत नहीं है। ठीक है, जो प्रथम परत की जो रिक्तियां हैं, जो त्रिभुज के आकार की खाली जगह था, वह जो है द्वितीय परत के गोलों से सब नहीं ढकी हुई हैं, सब परत आवृत नहीं है, इससे अलग अलग व्यवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, इससे अलग अलग व्यवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। जब भी द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है, ठीक है, द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत के रिक्ति के ठीक ऊपर हो या फिर ठीक इसके उल्टा, तब एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। इन रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं, क्योंकि जब इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तब एक चतुष्फलक बनता है, इसलिए इनको चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं और इन्हें कैपिटल टी से अंकित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि निविड़ संकुलित गोलों में जब द्वितीय परत को आप किस में रखते हैं, प्रथम परत के गड्ढों में रखते हैं। जैसे यहाँ देखें इस फिगर में, यह जो डार्क सर्किल बनाया गया है वह प्रथम परत है। जो डार्क सर्किल फिगर में बना हुआ है यह रेड कलर में, गाढ़ा कलर जो रेड का है वह प्रथम परत हो गया। अब ठीक इसके ऊपर द्वितीय परत आप बना रख रहे हैं, तो द्वितीय परत आप क्या कहाँ रखेंगे, प्रथम परत के अवनमनों में। जो प्रथम परत का जो गड्ढे हैं जो त्रिभुज के आकार के हैं, ठीक है, त्रिकोणीय आकार है, उसको आप ढकने के लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो जो द्वितीय परत आप रख रहे हैं उसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया। जैसे यहाँ देखें, यह डॉटेड लाइन है, यह तीन गोले हैं, इन तीन गोलों के बीच में अवनमन है, इसी को ढकने के लिए यह परत लगाया जा रहा है, रखा जा रहा है, जो सेकेंड लेयर है, द्वितीय परत है। ठीक, फिर यह तीन गोलों का बीच में यह अवनमन है, इसको ढकने के लिए एक परत बना ऊपर गोला रख दिया गया। फिर यहाँ जो है तीन गोलों के बीच में, ठीक है, यह खाली जगह है, इसको और इस अवनमन को ढकने के लिए एक गोला जो है रख दिया गया। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो द्वितीय परत बन रही है वह प्रथम परत के अवनमनों को ढक कर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम द्वितीय परत के द्वारा प्रथम परत के अवनमनों को ढकते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, एक खाली जगह बन के तैयार होता है, जिसको चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं, जिसको टी से लिखते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं जिसे टी से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जब इसके चारों तरफ जो गोले हैं, अर्थात इसके चार गोले हैं इसके अगल बगल, इनके केंद्रों को मिलाते हैं तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है, इसीलिए इसको चतुष्फलक रिक्तियां कहते हैं, इसको टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखा कि जब प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत की रखते हैं, ठीक है, कि रिक्ति के ऊपर होता है, तब एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। इन रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं, क्योंकि जब इन चार गोलों को केंद्रों को मिलाया जाता है तब चतुष्फलक बनता है और इन्हें टी से अंकित किया जाता है। ठीक है, ऐसी एक रिक्ति को अलग से चित्र में दिखाया गया है, ध्यान से देखें। यह जो है आप देख रहे हैं कि तीन गोले हैं और इनके बीच में जो खाली जगह है अवनमन है, इसको द्वितीय परत के गोलों से ढक दिया गया है। तो इस तरह से ढकने के बाद यह खाली जगह जो बन रहा है वह चतुष्फलकीय रिक्ति है, क्योंकि इन चारों गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाएगा तो एक चतुष्फलक का निर्माण होगा। ठीक है, यह हो गया आपका। तो यह एक चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं, जबकि जो है अन्य स्थानों पर द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर हैं। ठीक है, एक चतुष्फलकीय रिक्तियां बन गई, जबकि अन्य स्थानों पर द्वितीय परत की जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, ठीक है, जो द्वितीय परत के जुड़ने से त्रिकोणीय रिक्तियां बन रही हैं, ठीक है, त्रिकोणीय रिक्तियां हैं प्रथम परत के त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर हैं। त्रिकोणीय रिक्तियां ठीक जो है प्रथम परत के त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर हैं,
और इनकी त्रिकोणीय आकृतियां अतिव्यापित नहीं होती हैं। इनकी जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं वह एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं, अतिव्यापित नहीं होती हैं, ठीक है। उनमें से एक में त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर होता है, एक में त्रिकोण का शीर्ष क्या होता है, ऊर्ध्वमुखी होता है, जबकि दूसरे में अधोमुखी होता है, जबकि दूसरे के त्रिकोण कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं सिरा, ठीक है। इन रिक्तियों को चित्र में ओ से अंकित किया गया है। ऐसी रिक्तियां 6 गोलों से घिरी होती हैं, ठीक है, जिसमें यह जो रिक्तियां दूसरे टाइप की जो रिक्तियां बन रही हैं उसमें एक का शीर्ष जो है ऊपर की तरफ है और एक का शीर्ष नीचे की तरफ है, एक ऊर्ध्वमुखी है और एक अधोमुखी है, ठीक है। इन रिक्तियों को ओ से अंकित किया जाता है और ऐसी रिक्तियां जो है 6 गोलों से घिरी होती हैं, इन्हें अष्टफलकी रिक्तियां कहा जाता है, ठीक है। ऐसी रिक्तियों क्या कहा जाता है, अष्टफलकी रिक्तियां कहा जाता है। ऐसी रिक्तियों को अलग से यहाँ देखें फिगर में बनाया गया है, जिसमें 6 गोले भाग ले रहे हैं, 3 पहली परत के और 3 दूसरी परत के, इनके मिलने से यह रिक्तियां बन रही जिनको अष्टफलकी रिक्तियां कहते हैं। इन 6 गोलों के केंद्रों को अगर आप मिलाओगे तो एक अष्टफलक का निर्माण होगा, क्या इसको अष्टफलकी रिक्तियां कहते हैं। तो निविड संकुलित गोलों की 2 परतों में, ठीक है, निविड संकुलित गोलों की 2 परतों का एक स्तंभ और उसमें जनित होने वाली रिक्तियां 2 तरह की होती हैं। एक होता है टी चतुष्फलकी रिक्ति और दूसरा होता है ओ अष्टफलकी रिक्ति, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे चतुष्फलकी रिक्ति बना है, तो यह जो दूसरी परत है यह जब आपस में 3 गोले मिल रहे हैं, जैसे यह दूसरी परत का 1 गोला या दूसरी परत का दूसरी गोला या तीसरी गोला के बीच में यह रिक्त क्रिएट हो रही है और यह है अष्टफलकी रिक्तियां, ओ से जिसको लिखते हैं। उसी तरह से यह 1 गोला हो गया, यह 1 गोला हो गया और यह 1 गोला जो परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बीच में यह जो है रिक्ति बन रही है जिसको अष्टफलकी रिक्ति कह रहे हैं। तो इस तरह से जब एक परत के ऊपर दूसरी परत तैयार की जाती है तो 2 तरह की रिक्तियां बनती हैं, एक बनती है चतुष्फलकी रिक्तियां और एक बनती है अष्टफलकी रिक्तियां, जिसको फिगर में टी और ओ से दिखाया गया है, ठीक है। चतुष्फलकी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बनने में 4 गोले जो है नज़दीक रहते हैं और चारों गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है, अतः इन्हें चतुष्फलकी रिक्तियां कहते हैं। उसी तरह अष्टफलकी में जो है 6 गोले भाग लेते हैं, इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो एक अष्टफलक का निर्माण होता है, अतः इसे अष्टफलकी रिक्तियां कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों प्रकार की रिक्तियों की संख्या निविड संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। यह दोनों तरह की जो रिक्तियां आ रही हैं टी और ओ, वह जो है निविड संकुलित के गोलों की संख्या पर निर्भर करती हैं। माना निविड संकुलित गोलों की संख्या एन है, मान लीजिए जो क्लोज पैकिंग, ठीक है, गोले हैं उनकी संख्या एन है, निविड संकुलित गोलों की संख्या एन है, तब उनके द्वारा तैयार अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, एन होगी, जबकि जनित चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या 2n होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या n होगी, लेकिन जो चतुष्फलकी रिक्ति होंगे वो ठीक उसके दुगने होंगे अर्थात 2n होंगे, ठीक है। तो यह आपने देखा जब हम प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखते हैं तो यह घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो 2 परत तैयार हो गया है, अब जो है तीसरी परत को रखते हैं, तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना, प्रथम परत को द्वितीय परत, ठीक है, प्रथम परत पर द्वितीय परत को आपने रखा, प्रथम परत पर द्वितीय परत को आपने रखा, जिससे 2 तरह की रिक्तियां बनी, चतुष्फलकी और अष्टफलकी, ठीक है। अष्टफलकी की रिक्तियों की संख्या एन, तो चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या 2n। अब हम जो है द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को रख रहे हैं, तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना, जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखा जाता है तो 2 संभावनाएं होती हैं, ठीक है। जब आप तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखेंगे तो 2 संभावनाएं होंगी, ठीक है। पहली संभावनाएं होंगी कि आप जो चतुष्फलक रिक्तियां हैं उनको ढकिए, दूसरी संभावना है कि अष्टफलकी रिक्तियों को ढकिए,
ठीक है। तो जो द्वितीय परत के बाद तृतीय परत आप बनाएंगे तो उसकी दो संभावना है, तृतीय परत के गोलों को द्वितीय परत के चतुष्फल की रिक्तियों को ढकना, और दूसरा है तृतीय परत के गोलों से द्वितीय परत के अष्टफल की रिक्तियों को ढकना। तो पहला देखते हैं चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन, तृतीय परत के द्वारा चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन। द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित किया जा सकता है। इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के साथ पूर्णतः संरेखित हो जाते हैं, ठीक है। जब आप तृतीय परत के गोलों से द्वितीय परत के चतुष्फल की रिक्तियों को ढकेंगे तो जो तृतीय परत के गोले होंगे वह प्रथम परत के गोलों के सीध में आ जाएंगे। तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के सीध में आ जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार गोलों का पैटर्न एकांतर परतों में पुनरावृत होता है। गोलों का जो पैटर्न है वह एकांतर परतों में क्या होता है, पुनरावृत होता है, और इस पैटर्न को हम एवी पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न को क्या कहेंगे, एवी पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। इस संरचना को खटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। इस संरचना को क्या कहेंगे, खटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरह की संरचना कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार की परमाणुओं की व्यवस्था कई धातुओं में जैसे मैग्नीशियम और जिंक में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि यह ए परत है, ठीक है, उसके बाद बी परत है, उसके ऊपर रख के तैयार किया गया। उसके बाद जो है जब आप तीसरी परत रखते हैं द्वितीय परत के चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकते हुए, तो जो तीसरी परत आती है वो ठीक पहली परत के संरेखित हो जाती है, ठीक है, सीध में आ जाती है, अतः इसको एवी प्रकार का पैटर्न कहते हैं। इस ठीक है, इसे खटकुड़ी निविट संकुलित संरचना भी कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जो है धातु में पाई जाती है जैसे मैग्नीशियम और जिंक। यह आपका खटकोड़ी निविड़ संकुलन है, ठीक है, इसमें ए बी टाइप करते हैं। अब आता है अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन। अब आप जो है तृतीय परत के द्वारा द्वितीय परत के अष्टफल की रिक्तियों को ढक रहे हैं। तृतीय परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि उसके गोले अष्टफल की रिक्तियों को आच्छादित करते हों, ढकते हों। इस प्रकार के रखने पर तीसरी परत के गोले प्रथम अथवा द्वितीय किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते हैं। तो जब आप तीसरी परत को रखेंगे द्वितीय परत के अष्टफलकीय जो अष्टफलक हैं उनको ढकते हुए, तो आप देखेंगे कि जो तृतीय परत है वह न तो पहले परत और न तो दूसरे परत के साथ संरेखित नहीं होती है, किसी भी प्रकार के परत के साथ संरेखित नहीं होती है, अतः इसको एक अलग पैटर्न कहा जाता है, सी पैटर्न, ठीक है। तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि उसके गोले अष्टफल की रिक्तियों को आच्छादित करते हों। इस प्रकार से रखने पर तीसरी परत के गोले प्रथम और द्वितीय परत, ठीक है, द्वितीय किसी भी परत के साथ सीध में नहीं होते हैं, संरेखित नहीं होते हैं। इस व्यवस्था को सी प्रकार कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब चौथी परत रखते हैं, केवल चौथी परत रखने पर उसके गोले प्रथम परत के गोले के साथ संरेखित होते हैं। जब चौथी परत आप रखोगे तो उसके गोले जो हैं वह पहली परत के साथ संरेखित हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के पैटर्न को एबीसी टाइप पैटर्न कहा जाता है। इस प्रकार के पैटर्न को एबीसी पैटर्न लिखा जाता है। इस संरचना को घनीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं, ठीक है। इस संरचना को क्या कहा जाता है, घनीय निविड़ संकुलित संरचना कहा जाता है, अथवा फलक केंद्रित घनीय संरचना कहा जाता है, ठीक है। सीसीपी या एफसीसी संरचना कहते हैं, ठीक है। जैसे धातु में जैसे तांबा और चांदी में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तांबा और चांदी के जो परमाणु होते हैं वह इस तरह से क्रिस्टलित होते हैं और उनमें एफसीसी या सीसीपी संरचना पाई जाती है, ठीक है। जैसा कि फिगर आप देख रहे हैं, ए संरचना है या बी संरचना है और सी संरचना या ए संरचना है। तो पहली परत दूसरी परत तीसरी परत और चौथी परत, यह तीसरी परत के द्वारा पहली परत के अष्टफलकों को ढका गया है, ठीक है। ढकने के बाद जो यह तीसरी परत है सी, यह न तो बी से मैच करती है न तो ए से मैच करती है, लेकिन जब चौथी परत ए को रखते हैं तो यह ए जो है अपनी पहली परत से मैच कर जाता है,
इसलिए इस पैटर्न को एबीसी एबीसी पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, वही फिगर यहाँ पर भी दिया गया है, आप देख रहे हैं, यह आपका खटकोणीय संकुलन है जिसमें एबी एबी टाइप पैटर्न है, और यह आपका, ठीक है, यह आपका घनीय निविड़ संकुलित संरचना है जो एबीसी एबीसी टाइप है। ठीक है, इसको आप कहोगे खटकोणीय निविड़ संकुलन एससीपी, जो किसमें पाया जाता है, चतुष्फलक रिक्तियों को ढकने के कारण बनता है, और एक होता है आपका फलक केंद्रित घनीय संरचना एफसीसी, जो बनता है, ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकने के कारण। यह हो गया आपका। अब यह जो दोनों स्ट्रक्चर आपका बना है, ये दोनों प्रकार के निविड संकुलित अति उच्च क्षमता वाले होते हैं। यह दोनों प्रकार के जो आप क्लोज पैकिंग पढ़े हैं, यह क्या होते हैं, अति उच्च क्षमता वाले होते हैं, और क्रिस्टल का 74% स्थान ढक लेते हैं। क्रिस्टल का 74% स्थान यह क्या करते हैं, संपूरित कर लेते हैं, ढक लेते हैं। इन दोनों में प्रत्येक गोला 12 गोलों के संपर्क में रहता है। इन दोनों संरचनाओं में प्रत्येक गोला कितने गोलों के टच में रहता है, 12 गोलों के टच में रहता है। इस प्रकार इन दोनों संरचनाओं में उप संयोजन संख्या 12 होती है। ठीक है, इस प्रकार जो है इस संरचनाओं में उप संयोजन संख्या क्या होगी, 12 होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो है 74% स्थान जो है यह घेरे रहता है, और इसका एक गोला जो है वह कितने गोलों के टच में रहता है, 12 गोलों के टच में रहता है, अतः इसकी उप संयोजन संख्या कितनी होगी, 12 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 12 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा त्रिविमा में निविड संकुलन के बारे में। इसको आप रिवाइज कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।